मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए आया हूं। चलो नीति। हाँ छोड़ो नीति का, एंड डोंट यू डेयर मेक हर अ पंचिंग बैग। मी रियली? मैं बना रहा हूं उसे पंचिंग बैग? मैं कर रहा हूं कि आप? बेटा प्लीज कूल डाउन, तुम बैठो यहां। बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। क्या कहना चाहती हैं आप यही कहेंगी ना कि नीति आप दोनों की लाडली है, फेवरेट है, बहुत प्यारी है। ये देखो, जो मैं कहना चाहती थी वो तो तुमने कह ही दिया, तो अब बहस का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तुम नीति को ले जाना चाहते हो ना? ठीक है, हम नहीं रोकेंगे। क्यों नहीं रोकेंगे? और ये होता कौन है नीति को हमारे से? प्लीज प्लीज आप शांत रहिए। नीति बेटा, आप डैडी के साथ घर जाइए। चलो नीति, लेट्स गो। प्लीज तुम दादा दादी के साथ रहना चाहती हो? इन्हें ज्यादा तंग मत करना। पर रात में सही वक्त पे सो जाना। ओके पापा। का खाना कैसा था? बहुत अच्छा था। अक्षय को खाना पसंद आया? उसकी फेवरेट सब्जी बनाई थी आज मैंने। नहीं माम, अक्षय नहीं खा पाए। क्यों? हम खाना खाने बैठे ही थे कि एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर दस्तूर, उनका कॉल आ गया और वो कहने लगे कि कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अर्जेंटली मीटिंग करनी है, तो अक्षय उसी वक्त निकल गए। खाना छोड़ के जाना इस तरह से? ओफो माँ, आपने कल ही मुझसे कहा कि परेशान होने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, राइट? अच्छा वैसे ये बताइए, आप कब तक आ रही हैं? अभिया के कैफे की इनॉग्रेशन के लिए। विजया, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बेटे। प्लीज माँ, अभिया को बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है वो। हमें तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए ना। प्लीज आ जाइए ना। मैं आती हूँ। गुड गर्ल, बाय। मैं चाहती हूँ कि इनॉग्रेशन चीजा जी के हाथों हो। सो स्वीट ऑफ यू अभ्या, लेकिन अक्षय तो किसी जरूरी काम से बाहर गए और उन्हें आने में देरी हो जाएगी। तो ठीक है दीदी, चलिए आप ही रिबन काटिए। वाह अभ्या, रिबन कटिंग भी है। 5 मिनट अभ्या, तुम चलो मैं ये मेल भेज के आती हूँ। नहीं दीदी, तुमसे मैंने कहा था ना, वही रुको। तुम चुप बैठो। एक्चुअली दीदी क्या है, आई एम सॉरी विजया मैडम, और अभया तुम्हें भी सॉरी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अब जल्दी चल के कैफे का उद्घाटन कर दीजिए। क्या है, अशुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़ गया ना तो नुकसान हमारा हो जाएगा ना भाई। चले 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 चले, तुम भी चलो चलो। आइए विजया दीदी, आइए।
क्या बात है विजया दीदी, आपके शुभ हाथों से इस कैफे का उद्घाटन हो रहा है। डॉक्टर साहब को बुला लेती तो ये शुभ मुहूर्त और शुभ हो जाता। चीजा जी किसी काम से बाहर गए हैं। ओहो, अब यार गलती तो हमारी है ना, हमें तो मालूम है डॉक्टर अक्षय सिन्हा साहब कितने बिजी इंसान हैं, तो उनको एडवांस में बताना चाहिए था। गलती कोई बात नहीं विजया दीदी, हैं आप अपने शुभ हाथों से उद्घाटन कर दीजिए। अरे आशीर्वाद तो दीजिए। बजाओ बजाओ। अब तुम्हारे डैडी की फोटो ये किसने रखी यहाँ? अब आप तुमने नहीं रखा तो मैंने। कंग्रेचुलेशंस बेटे। थैंक यू मां। अगर आज आप दोनों के डैडी जिंदा होते तो ही वुड हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ यू। माँ जी आपने यहाँ पधारकर हमें धन्य कर दिया। क्या हो गया, नीचे क्यों झुक गई? पीछे देखो। पीछे? ये तो वो है ना इरफान मलिक। हाँ, इरफान और उसकी बहन शबाना। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? बाहर निकलने का कोई और रास्ता है? बाहर निकलें? पीछे से है, क्या सोच रहे हो तुम? चलो बाहर, चलो चलो चलो। नंदनी, नंदनी तुम क्या? अरे नंदनी सुनो। सर आपका ऑर्डर फटाफट आ गया। अरे एक काम करो, फटाफट ये किसी जरूरतमंद को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। थैंक्स सर। नंदनी अरे तुम गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रही? चाबी तुम्हारे पास है। सॉरी आओ बैठो, सिट। बेवकूफ हूं मैं एक नंबर की। मुझे पता था कि इरफान और उसकी सिस्टर भी घर से बाहर निकलने वाली है। उसे इस जगह के रेस्टोरेंट्स पसंद है। मुझे तुम्हें कहीं और मिलना चाहिए था। नंदनी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम इतना डरती क्यों हो? यू शुड बी ब्रेव, ऐसे डरा नहीं करते। मैं डरती वरती नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे झूठ बोलकर आई थी कि मैं एक सर्जरी अटेंड करने जा रही हूँ। ऐसे में अगर वो मुझे देख लेता ना, और वो भी तुम्हारे साथ, तो एक सजेशन दूं तुम्हें। Why don't you shift to a new place? मतलब एक नए घर में मूव इन कर जाओ। मतलब? मेरा मतलब ये है कि तुम इरफान के साथ रहती हो, इसलिए मुझे जब मिलने आती हो तुम्हें उससे इतने झूठ बोलने पड़ते हैं। अकेली रहोगी तो कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, nice idea। ठीक है, मैं आज ही शिफ्ट हो जाती हूँ। हाँ। तुम्हारे घर रहने आ जाओ। मेरे घर? नंदनी मतलब क्या? अरे क्या हुआ? यू शुड बी ब्रेव, यू नो, डरना नहीं चाहिए। या आ गई मेरी गुड़िया। सिर्फ मैं नहीं, और भी कोई आया है। और भी? आइए ना मम्मी जी। आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आपकी लाइफ में कोई तो आया है अभी, आप चाहो या ना चाहो वो इंसान आपका होकर रहेगा। आज मिलोगी? बिल्कुल। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। वाओ, डॉक्टर दस्तूर इतने सीनियर डॉक्टर हैं, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मना कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी आपको सर्जरीज और पेशेंट्स के अलावा कोई और काम करने का मौका ही कहाँ मिलता है।